This Okay, conference will now be recorded. perfect. ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, तो हमारा जैसा कि कोर्स कंटेंट में मैंने बोला था कि आज के लिए ये चार मेन टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं: आरडीडी लिनिएज, ब्रॉडकास्ट वेरिएबल, एक्यूमुलेटर एंड एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल। कि हाउ, जैसे हम कोई जॉब सबमिट करते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एंड प्रोसेस, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, पिछले प्रीवियस सेशन में किसी को कुछ इश्यू है या डाउट है? इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल स्विच ऑन टू टुडेज सेशन। ओके फाइन, सो आज का हमारा जो टॉपिक है, आई एम गोइंग टू कवर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो इसके अबव का सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। इट्स कंप्लीटली हमारा डेटा फ्रेम पे हम काम करेंगे। सो आज का सेशन मिक्स है, हमारा आरडीडी भी हम यूज करने वाले हैं और डेटा फ्रेम दोनों हम यूज करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आरडीडी लीनिएज होता क्या है? तो जैसे कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम कोई आरडीडी बनाते हैं, मोस्टली हमारा दो प्रोसेस हम यूज करते हैं आरडीडी क्रिएशन के लिए। एक टेक्स्ट फाइल मेथड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, पैरेललाइज मेथड होता है, राइट? तो जब भी हम कोई आरडीडी बनाते हैं और उस आरडीडी को बनाने के बाद अगर सब्सिक्वेंट कुछ और आरडीडी हम बेस्ड ऑन उस डिपेंडेंट आरडीडी पे क्रिएट करते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनता है। इन द सेंस, लेट मी एक्सप्लेन विद एन डायग्राम। मतलब जैसे बनाया आरडीडी वन, बनाने के बाद आरडीडी वन इक्वल टू एस ए डॉट टेक्स फाइल और मैंने पाथ डिफाइन किया वहां पे, ठीक है। देन हमने आरडीडी टू बनाया, जो आरडीडी टू जो है वो आरडीडी वन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर हमने आरडीडी थ्री बनाया जो कि आरडीडी टू पे डिपेंडेंट है। देन फाइनली आरडीडी थ्री पे हमने क्या किया, एक्शन कॉल किया। तो ये जो हायरार्किकल है कि आरडीडी थ्री इज डिपेंडेंट ऑन टू, टू इज डिपेंडेंट ऑन वन, वन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द फाइल, ये जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर जो बनता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लीनिएज, जो कि हमें डिफाइन करेगा कि कौन सा आरडीडी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहलाता है आरडीडी लीनिएज का। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करो हम एक यहाँ पे, ये एक हमारा आरडीडी है, ठीक है। देन ये हमारा सेकंड आरडीडी है, देन ये हमारा थर्ड आरडीडी है, और इसी के बेसिस पे मान लो कि हमारा ये एंड ये टू अदर्स आरडीडी और हमने डिपेंड बनाए हैं यहाँ पे, ये इस पे बना, ये इसको डिफाइन कर रहा है, एंड देन तुम्हारा ये इससे डिराइव हो रहा है, एंड देन ये इससे डिराइव हो रहा है। ये जो हमारा कंटेंट है, ये सपोज करो हमारा आरडीडी वन है, ये जो है हमारा आरडीडी टू है, ये हमारा आरडीडी इसको फोर बोलते हैं, इसको आरडीडी थ्री एंड आरडीडी हमारा फाइव। तो एज यू कैन सी कि एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है, जिसपे हमारे डिफाइन होता है कि भाई हमारा कौन सा आरडीडी किसके ऊपर डिपेंड है, दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज आरडीडी लीनिएज। एनी डाउट? सी द सेम थिंग आई हैव रिप्रेजेंट ओवर हियर। व्हेन अ न्यू आरडीडी हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग आरडीडी, दैट न्यू आरडीडी कंटेन अ पॉइंटर टू द पेरेंट आरडीडी। सिमिलर, ऑल द डिपेंडेंसी बिटवीन द आरडीडी विल बी लॉग्ड इन अ ग्राफ रादर देन अ एक्चुअल डेटा। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज अ लीनिएज ग्राफ, या आरडीडी लीनिएज इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सपोज करो कि आरडीडी टू हमारा लॉस्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल, तो आरडीडी टू का डेटा हमारा हट गया, तो जब हमारा ये लीनियर जब हमारा प्रेजेंट होता है, तो उसको पता होता है कि आरडीडी टू हमारा क्रिएट कहाँ से हुआ। तो आरडीडी टू हमारा क्रिएट हुआ है आरडीडी वन से, तो इट विल रिक्रिएट ऑटोमेटिकली। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ फॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है। तो
तो वो लीनियस प्रॉपर्टी के कारण, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कारण ही उसको पता होता है कि ये रिक्रिएशन कहाँ से करना है एंड हाउ इट विल क्रिएट. बेस्ड ऑन दैट इट विल रिक्रिएट इट एंड इट विल एग्जीक्यूट इट. ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं आरडीडी लीनियज, राइट. इसको इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी हम कॉल करते हैं, लाइक वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज आरडीडी ऑपरेटर ग्राफ और डिपेंडेंसी ग्राफ. इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है, लीनियज के कारण ही हमारा आरडीडी क्या है, फॉल्ट टॉलरेंट है. अब इसको अगर हमको देखना है कि हमारा आरडीडी वन कैसे किस पे क्या क्रिएट है, तो हमारा एक मेथड है डॉट टू डिबग स्ट्रिंग, जिसके बेसिस पे वो हमें बता देगा कि कौन सा आरडीडी किसके ऊपर डिपेंडेंट है. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. इसको हम आई थिंक डेटाबेस का मैंने नहीं देखा. ओके ठीक है, इसको विद एन एग्जाम्पल हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे हमारा क्या है. ठीक है, अब यही हमारा फर्स्ट ऑपरेशन तुम्हारा देख लो. फर्स्ट ऑपरेशन में हमने क्या किया, एक आरडीडी हमारा क्या है, डेटा बना हुआ है. ठीक है, दूसरा आरडीडी हमारा डेटा हीडर है. तीसरा हमारा क्या एक्चुअल डेटा है. देन हमारा चौथा क्या है, एक्चुअल डेटा मैप है. अब हम इस टेक के जगह पे हम क्या करते हैं, इसको हम टू डीबग स्ट्रिंग मेथड कॉल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट वाले rdd डॉट टू डीबग स्ट्रिंग विल गिव मी द लीनियज ऑफ इट. ठीक है, लेट्स सी. मैप पार्टीशन सफर नेटिव सी स्टार्टिंग पॉइंट इज लाइक व्हाट, एससी डॉट टेक्स्ट फाइल मेथड. कैसे क्रिएट हो रहा है, टेक्स्ट फाइल मेथड के बेसिस पे हो रहा है. स्टार्टिंग पॉइंट ये है जो कि फाइल लोकेशन कहाँ से ले रहा है. यू कैन सी दिस कंप्लीट लाइन. ठीक है, तो इट विल डिफाइन कि हमारा डेटा कैसे कैसे हमारा ऑपरेट हो रहा है एंड देन हाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग. नाउ सेकेंड ऑपरेशन यू कैन सी कि हमारा सब्ट्रैक्ट मेथड हो रहा है यहाँ पे. दिस इज लाइन एज अ सब्ट्रैक्ट. देन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैप का फंक्शन का यूज कर रहे हैं. देन इट इज शोइंग एज अ मैप. तो ये हमारा इंटरनली बता देगा कि हमारा आरडीडी जो है वो कहाँ से कैसे क्रिएट हो रहा है और किसके ऊपर डिपेंडेंट है. गाइस हेलो, एनीवन कंफर्म एनी क्वेश्चन, यस और नो, और शुड आई मूव अहेड. ओके, सो बेसिकली हमारा जो आरडीडी लीनियज होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट, इंटरनली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है. बट इंटरनली जब हम टू बेसिकली हमारा टू डीबग स्ट्रिंग मेथड होता है जो कि हमारा डिफाइन कर देगा कि हाँ हमारा डेटा जो है वो कैसा है एंड हाउ इट इज गोइंग टू डिपेंडेंट ऑन, बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन हम कैसे कॉल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं. तो इट विल एक्सप्लेन द इंटायर थिंग. You have to understand and read all these things, so you will get a better understanding of it. ठीक है? Now, second point is that is concept of broadcast variable and accumulator. तो ये दोनों concept जो है वो तुम्हारा shared variable के अंदर आता है. Shared variable क्या होता है कि जैसे अब for example कि let's imagine. रिमेंबर सेकेंड, ओके लेट मी एक्सप्लेन विद दिस. यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर याद है कि आर्किटेक्चर जब हमने डिस्कस किया था
तो हमने बोला था कि हमारे पास एक, जब भी हम कोई जॉब सबमिट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारा एक ड्राइवर नोड होता है, एंड वी कैन हैव मल्टीपल वर्कर नोड्स, राइट। और एक वर्कर नोड्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल टास्क होते हैं, एज यू कैन सी कि एक वर्कर नोड के अंदर हमारे पास मल्टीपल टास्क है यहाँ पे, राइट। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम सपोज करो कि हमारे पास एक वर्कर नोड है, दिस इज माई वन वर्कर नोड, और एक वर्कर नोड के अंदर हमारा एक मतलब 4 या 5 टास्क है जो कि प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 4 5 टास्क, कभी ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि इनको कुछ फंक्शन कॉल करना है, और फंक्शन के बेसिस पे इनके इंटरनली फंक्शन में क्या होता है, लोकल वेरिएबल ये क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन ये लोकल वेरिएबल जो है वो टास्क आपस में एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट्स सी, ये हमारा एक वर्कर नोड है, इस वर्कर नोड के अंदर हमारे पास ये एक टास्क है, ये एक टास्क है, ये एक टास्क है। हम क्या कर रहे हैं कि 5 6 डिफरेंट डिफरेंट टास्क हम डिफाइन करते रहे, ठीक है, ये हमारे पास टास्क है। अब इमेजिन कि इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल बना ए, इसके अंदर बना बी, इसके अंदर बना सी, डी, ई एंड एफ। अब इस लोकल वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि ये वैल्यू जो है ए हमारा, वो इस टास्क के अंदर हम शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये टास्क हमारा अगर T1 है और ये हमारा T2 है और ये हमारा T3 है, दिस वन इज माई T4, दिस वन इज T5 एंड दिस वन इज T6। हमारे पास एक वर्कर नोड के अंदर हमने क्या करा कि 6 डिफरेंट टास्क क्या हुआ, प्रोसेस हो रहे हैं और ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, बट एट द एंड ये सारा प्रोसेसिंग होके एज अ सिंगल आउटपुट ये वर्कर नोड को देगा, बट द प्रॉब्लम इज कि अब ये वैल्यू जो है ए शेयर नहीं कर सकता, ये वैल्यू जो है T1 का जो ए वेरिएबल है, इट इज नॉट गोइंग टू शेयर विद एनी ऑफ द अदर टास्क। सो देयर मे बी अ सिचुएशन कि जहां पे हमें ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना होता है कि डेटा जो हो वो हम शेयर कर सकें एज अ काउंटर, और एज अ इस तरह से करें कि वो डेटा जो है वो हर टास्क में शेयर हो जाए एंड इट कैन प्रोसेस एंड गिव एज अ सिंगल आउटपुट, विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। अगर आप लोग को थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का आइडिया होगा, जैसे जावा हो या कुछ भी सी सी प्लस प्लस होता है, अगर उसके अंदर हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन के अंदर अगर हम लोकल वेरिएबल क्रिएट किए, तो वो लोकल वेरिएबल क्या होता है कि दूसरे के साथ वो शेयर नहीं हो सकता। हमारा फंक्शन F1 है, उसके अंदर अगर हम वेरिएबल ए बनाए हैं, F2 है, उसके अंदर बी बनाए हैं, तो F2 के अंदर हम ए को यूज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अ फिजिबिलिटी। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा, स्टैटिक वेरिएबल हमारा जावा में भी है, सी सी प्लस प्लस में भी है, स्टैटिक वेरिएबल होता है। तो जो काम वहां पे स्टैटिक वेरिएबल करता है, वही काम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब ये कि जो डेटा है वो हम टास्क लेवल पे ना डिफाइन करके हम क्या करेंगे, हम नोड लेवल पे यहाँ पे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। अब इस ब्रॉडकास्ट करने के बाद ये यहाँ पे हमने क्या किया, वर्कर नोड लेवल पे ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब ये ब्रॉडकास्ट जो है वो हर टास्क, जितने टास्क हम क्रिएट करेंगे वो सबके अंदर वो ब्रॉडकास्ट वो वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ कि अब ये इसने कुछ कंप्यूटिंग करके रिजल्ट ए में स्टोर किया, T2 ने प्रोसेसिंग करके बी में स्टोर किया, T3 ने प्रोसेसिंग करके भी ए में स्टोर किया। नाउ फाइनली दीज वैल्यूज आई कैन मर्ज एंड आई कैन शो इट टू द फाइनल रिजल्ट टू द वर्कर नोड, और वर्कर नोड फिर क्या करेगा, हमारे ड्राइवर प्रोग्राम को रिटर्न करेगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग शेयर्ड वेरिएबल। नाउ शेयर्ड वेरिएबल इज ऑफ टू टाइप, पहला जो होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, दूसरा जो होता है वो एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है। सो यू गेट द आइडिया अबाउट कि हमें शेयर वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड दिस, और स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन? Anubhav, I have one question. या
So basically, the thing is like I did this thing when I'm creating a project on Python. So it's basically relating an object between two different modules that are independent of each other, but it takes the input from. May I know who is asking? This is Arun. Arun, okay. Arun, बोलो. Yeah. So जो मॉड्यूल वन का जो आउटपुट है या कोई एक 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 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो वो ग्लोबल लेवल पे हमने क्रिएट किया. तो ग्लोबल लेवल का मींस मतलब ये है कि मॉड्यूल वन के अंदर आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक ग्लोबल है. लेवल यहाँ पे इन द सेंस ऐसा है कि देखो, अगर प्रोग्रामिंग का आपको आइडिया हो तो एक हमारा लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, राइट? तो ग्लोबल वेरिएबल अगर हम डिफाइन कर दिए, दैट इज बेस्ड ऑन द क्लास लेवल, ठीक है? ओके अब वो ओके ओके क्लास के अंदर हमारा जितने भी फंक्शंस होंगे वहां पे वो एक्सेसिबल होगा, करेक्ट? ओके ओके बट यहाँ पे इट्स नॉट लाइक अ क्लास और मेथड आई एम रेफरिंग. यहाँ पे बेसिकली जो हम रेफर कर रहे हैं वो एज अ वर्कर नोट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल डेटा जो हमारा प्रोसेस होता है वो वर्कर पे होता है, जो कि मैंने सेकेंड ओके सेशन में ही एक्सप्लेन किया था कि ड्राइवर टास्क असाइन करता है वर्कर को, एज यू कैन सी हियर डायग्राम, राइट? क्लस्टर मैनेजर, सारा कुछ ही इंटीग्रेट होता है, सारा एग्जीक्यूशन जो हमारा होता है वो वर्कर पे होता है. लेकिन कभी ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि जो टास्क के अंदर, जो एक वर्कर के अंदर मल्टीपल टास्क हैं, लेकिन वो मल्टीपल टास्क अपने डेटा को भी शफल करना होता है, उनको इंटरचेंज करना होता है, ठीक है? वो आगे मैं ऐसा एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी मैं क्लियर करूंगा कि कब वो सिनेरियो क्रिएट होता है. तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हमने क्लास के अंदर या वर्कर नोड के अंदर अगर हमने लोकल वेरिएबल यूज किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल एफ है, तो ये वैल्यू जो है वो अलग दूसरे टास्क के साथ हम नहीं शेयर कर पाएंगे, क्योंकि उसकी एक्सेसिंग जो है वो T1 के अंदर तक ही है, T2 वो उसको नहीं एक्सेस कर पाएगा, राइट? तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, शेयर्ड करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं. और ये ब्रॉडकास्ट जो होता है वो पर वर्कर नोड पे होता है. अगर हमारे पास तीन वर्कर नोड है तो हमारे पास तीन ब्रॉडकास्ट वेरिएबल, हमें तीन ब्रॉडकास्ट करने हैं, सो दैट कि एक वर्कर के अंदर हमारे पास जितने हैं तुम्हारे एक्सेस, जितने टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हो, वो सारे उस चीज को एक्सेस कर. ओके ओके नवाब. गॉट इट? यस नवाब. तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट एक हमारा प्रोग्रामिंग में जैसे स्टैटिक वेरिएबल का होता था, बट स्टैटिक वेरिएबल वहां पे क्या होता था, हमारा एक बार हम रीड करते थे वहां पे, उसको दोबारा हम राइट नहीं कर पाते थे, राइट? वहां पे हमें डिफाइन करना होता था, बट वो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता था, सब कोई उसको यूज कर सकता था. बट यहाँ पे दो तरह के हैं, एक हमारा ब्रॉडकास्ट है, एक हमारा एक्यूमुलेटर है. तो ब्रॉडकास्ट जो है वो सिमिलर टू रीड है, उसको एक बार हम राइट करेंगे, लेटर ऑनवर्ड्स हम उसको बस रीड करेंगे, उस पे हम कोई राइट ऑपरेशन मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते हैं. बट व्हेन कम्स टू द एक्यूमुलेटर साइड, एक्यूमुलेटर में हमारा क्या होता है कि वो एक बार रीड होता है एंड देन वी कैन राइट इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा शेयर्ड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है कि जब हमारे पास आउटर फंक्शन होते हैं और इनर फंक्शन होते हैं, तो एज यू नो कि आउटर फंक्शन क्या करता है, इनर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, और इनर फंक्शन कुछ वैल्यू अगर रिटर्न करना चाहे तो वो आउटर फंक्शन को कर सकता है. बट सेम एज अगर हमारे पास 10 आउटर फंक्शन है और 10 आउटर फंक्शन के अंदर एक एक इनर फंक्शन है, तो वो आपस में डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि वेयर शेयर्ड वेरिएबल की हमें जरूरत पड़ती है. As you can see, given the task of the sum worker nodes needs to share data among themselves, then we need share variable concept. ठीक है? इसके अंदर हमारे पास दो चीज है, एक हमारा ब्रॉडकास्ट है, एक accumulator है. तो ब्रॉडकास्ट वेरिएबल जो है वो हमारा वन नोड कॉपी होता है, मतलब एक वर्कर नोड पे एक कॉपी होगा. इट्स नॉट लाइक कि वन कॉपी पर टास्क, एज यू कैन सी कि एक टास्क के बेसिस पे वो नहीं होता है, वो हमारा पर वर्कर नोड के बेसिस पे होता है ये तुम्हारा शेयर्ड वेरिएबल. एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो राइट ऑनली,
मतलब एक बार उसको हम रीड करते हैं, देन लेटर ऑनवर्ड्स उसको हम राइट करते हैं। बेसिकली हम उस पे ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आई विल एक्सप्लेन विद यू दिस एग्जांपल ऑफ इट नाउ। मीन्स ब्रॉडकास्ट इज लाइक कॉन्स्टेंट, राइट? यस, एक बार हम उसको डिफाइन कर दिए, नाउ ओनली वी हैव टू रीड इट। ठीक है, नाउ दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रॉडकास्ट वेरिएबल। सपोज लाइक इट्स अ शेयर्ड ऑन शेयर्ड एंड रीड ऑनली वेरिएबल, ये हम शेयर कर सकते रीड ऑनली उसके ऊपर। एक बार जैसे ही हमने इस फाइन किया, एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग ओनली वी हैव टू थिंक कि हमें इसका कैसे यूज करना है। एक बार अगर हमने इसको डिफाइन कर दिया, देन वी वोंट बी एबल टू रीमॉडिफाई इट। इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है कि एक कॉपी पर वर्कर नोड होता है। जितने हमारे वर्कर नोड होंगे उतना कॉपी हम क्रिएट करेंगे इसका। दिस इज ऑल्सो एन इंटरव्यू क्वेश्चन विच लॉट ऑफ इवन आई हैव सीन कि यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है कि शेयर ब्रॉडकास्ट वेरिएबल टास्क लेवल पे क्रिएट होता है, वर्कर नोड लेवल बेसिस पे क्रिएट होता है, या ड्राइवर नोड के बेसिस पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो ड्राइवर नोड के बेसिस पे नहीं होता है, क्योंकि ड्राइवर नोड कभी भी कोई एक्चुअल कंप्यूटेशन नहीं करता। जो भी कंप्यूटेशन होता है वो वर्कर नोड करते हैं। सो दैट्स व्हाट कि वर्कर नोड के बेसिस पे इनका जितना वर्कर नोड होंगे उतना ब्रॉडकास्ट वेरिएबल हमें इसको परफॉर्म करना, उतना क्रिएट करना होगा। ठीक है, इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे यहाँ पे जितने भी वर्कर नोड के अंदर टास्क हैं, तो ये इक्वली उस वैल्यू सारे हर जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे नोड्स पे होंगे। इसके अंदर हमें डेटा क्या करना होगा, शफलिंग नहीं करना होगा। शफल का जरूरत तब पड़ता है जब डेटा हमारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क पे प्रेजेंट हो, बट ये ऑलरेडी हर टास्क पे हमारा प्रेजेंट है, तो हमें इसको शफल करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो ब्रॉडकास्ट वेरिएबल है ये हमारा मेमोरी में कैश होता है। ठीक है, कैश मेमोरी में ये स्टोर होता है, इसीलिए ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि एज यू नो कि स्पार्क का सारा जितना प्रोसेसिंग है वो हमारा कैश मेमोरी पे होता है। तो अगर ब्रॉडकास्ट वेरिएबल, अगर तुमने बड़ा वेरिएबल अगर तुमने कैश कर दिया, तो इट मे गिव यू प्रॉब्लम फॉर द अदर प्रोसेस। क्योंकि अगर मान लो अगर 2 GB का हमारा कैश मेमोरी है, और 2 GB के कैश मेमोरी में अगर हम 1 GB हमने ब्रॉडकास्ट वेरिएबल को यूज कर लिया, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रिड्यूस द परफॉर्मेंस। ठीक है, बट एक्चुअली इसके एडवांटेजेस है कि अगर डेटा हमारा शफल है, या बेसिकली जब हम जॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारा डेटा सेट है, एक लार्ज डेटा सेट है, एक स्मॉल डेटा सेट है, तो हमें पता है कि डेटा सेट इन दोनों को हमको ज्वाइन करना है। तो इन दोनों को जैसे ही अगर हमको ज्वाइन करना है, तो रादर कि डेटा हमारा हर जगह प्रेजेंट हो बड़ा वाला, हम क्या करते हैं, छोटे वाले को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये समझो कि जो ये कैपिटल ए है हमारा, ये एक स्मॉल डेटा सेट है जिसको हमने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर लिया। तो ये हर जगह पे हमारा प्रेजेंट है। अब जैसे ही हम प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, चूंकि प्रोसेसिंग जैसे ही स्टार्ट होता है, तो वन टास्क के ऊपर वो तो सेग्रीगेट होता नहीं है, वो डिपेंड्स ऑन कि कितने नंबर ऑफ पार्टीशन पे डेटा हमारा सेग्रीगेट है, तो उतने नंबर ऑफ टास्क को क्रिएट करेगा। जैसे ही जितने नंबर ऑफ टास्क क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी हर टास्क पे हमारा ये वेरिएबल प्रेजेंट है, तो प्रोसेसिंग क्या होगा, डेटा उसको हर जगह हर टास्क पे मिल जाएगा, रादर कि वो ढूंढे ज्वाइन करे। इसलिए बेटर होता है कि छोटा वाला को हम हर जगह अवेलेबल करा दें, सो दैट कि ज्वाइन ऑपरेशन जैसे ही हम परफॉर्म करेंगे, इट क्विकली परफॉर्म इट। आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन वेरी गुड एग्जांपल। अभी इसके बाद हम एग्जांपल पे स्विच करेंगे, देन वी कैन सी कि कैसे ये परफॉर्म ट्यून करता है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे इसकी होती है। ठीक है, तो ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि जब भी अगर आप किसी डेटा सेट को ब्रॉडकास्ट करो, तो यू हैव टू छोटे वाले डेटा को हमको ब्रॉडकास्ट करना होगा, ना कि बड़े वाले का। ठीक है, लेट्स क्विकली जंप इनटू सम एग्जांपल्स जो इस चीज को डिराइव करे। ठीक है, अभी मैंने ग्रुप में दो डेटा सेट, हमने ग्रुप में मैंने दो डेटा सेट डाला है, उसी डेटा सेट को हम यूज करेंगे। ठीक है, पहला हमारा डेटा जो है वो प्लेयर एट्रीब्यूट का है। सो
I'm going to use data frame directly. Can anyone tell me why I'm using info schema? To get the schema of that data on that file. What is the disadvantage of using this? It's a cat disadvantage. Introduction. हाँ production में use नहीं कर सकते. ये slow हो जाता है production में अगर use करते हैं. हाँ slow हो जाता है क्योंकि सारे records देखता है data के. और पूरी data को scan करता है. ठीक है बट एक्चुअली क्या होता है कैसे स्कैन करता है ये इसमें डेटा टाइप होता है तो डेटा टाइप को चेक करता है हर एक मतलब डेटा के लिए एक्चुअली ये क्या करता है एक नया जॉब क्रिएट करता है राइट जैसे अगर हम इन्फो स्कीमा नहीं डालें तो ये दो जॉब सेग्रीगेट होगा एक हेडर के लिए एक तुम्हारा फाइल गेट के लिए ठीक है जैसे ही हम इन्फो स्कीमा करते हैं तो एक और जॉब क्रिएट होता है जो कि हर डेटा टाइप हर कॉलम को जाके वो फेच करता है एंड देखता है कि हमारा डेटा कैसा है क्या है तो ये परफॉर्मेंस हमारा डिग्रेड करता है सो ये जॉब कैसे रन करती है पर डेटा मींस हर लाइन का डेटा पिक होता है देन इट विल यूज टू चेक हर लाइन नहीं कॉलम बेसिस पे होता है नॉट रो वाइज कॉलम वाइज ओके So one, ये one go में एक सिंगल कॉलम को पूरा चेक करके एंड देन मूव टू नेक्स्ट कॉलम हाँ इट्स लाइक कि वर्टिकल ये स्कैनिंग करता है जितने कॉलम्स होंगे जैसे नेम एज आईडी है तो नेम का पूरा कॉलम ये ट्रांस जैसे यहाँ पे अबव में देखो नेम कॉलम है ना तो नेम में ये पूरा अनुभव सुमित सिंह की जो भी है सारा कुछ वो ट्रैवर्स करेगा एंड सी की उसका डेटा टाइप कैसा है सिमिलर टू एज एज के लिए भी वो सारा ट्रैवर्स करेगा नॉट रो वाइज नहीं वो कॉलम वाइज ट्रैवर्स करेगा ठीक है ठीक है मतलब इन केस अगर हमारा नेम में ही कोई मिस्टेक है बाय चांस हमने मतलब नेम में तो नहीं आएगा वो तो एज ए इंटीजर को भी स्ट्रिंग ले लेगा बट अगर एज का कोंकी कहीं पे स्ट्रिंग है एंड देन आफ्टर एक और कोई कॉलम है ठीक है जिसमें डबल टाइप है तो वहां पे भी कोई मिस्टेक है वो लेकिन वो एज पे ही हमको एरर दे देगा आगे का नहीं बताएगा ना एक ही का नहीं 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 वो एज का एरर नहीं देगा वो जो बिगर डेटा टाइप होगा जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एज के अंदर हमारे पास 28 है देन 28.0 है देन 25.0 है देन 26.0000 दिया हुआ है तो जो हायर डेटा टाइप होगा उसको कन्वर्ट करेगा बट इन दिस केस डबल क्योंकि इंटीजर जो है क्योंकि फ्लोट क्या करेगा इंटीजर को रख सकता है राइट बट बाय चांस अगर स्ट्रिंग है इन दैट केस देन स्ट्रिंग वो लेगा क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर तो सब कुछ आता है नहीं 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 अगर एज में मैंने है तो टाइप मेरा एंट हाँ मैंने गलती से कहीं पे स्ट्रिंग डाल दिया तो वो वहीं से ही बाहर आ जाएगा या कैसे रहता है नहीं 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 वो पूरा ट्रैवर्स करेगा और जो सबसे हायर प्रेसिडेंस वाला डेटा टाइप होगा वो उसको रिटर्न करेगा अच्छा अच्छा ओके ठीक है चलो तो ये दो डेटा सेट मैंने क्या किया रीड किया लेट्स सी किसका काउंट कितना है okay maybe path maine galat kiya path does not exist okay files to table player okay let me see the data there DBFS file store tables clear at properties
आपने स्पेलिंग गलत लिखे हुए एट्रीब्यूट्स के, आई थिंक। हाँ नहीं, CSV कैपिटल स्मॉल था। CSV जो यहाँ लिखा था ना, इसमें क्या दिक्कत हो गया? पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ इट इज गिविंग मी अकाउंट कि फर्स्ट वाला जो डेटा हमारा प्लेयर एट्रीब्यूट था, इसके अंदर हमारे पास 1,83,000 समथिंग रिकॉर्ड्स हैं, एंड दिस वन इज हैविंग स्मॉल डेटा सेट। सो रिमेम्बर कि हम क्या करेंगे, स्मॉलर वाला डेटा सेट को हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। ऑलवेज रिकमेंड टू यूज द स्मॉलर एज एन ब्रॉडकास्ट वेरिएबल, बड़े वाले को नहीं करना। बड़े वाले को करेंगे तो फिर क्या होगा, हर जितने टास्क हैं उसके ऊपर वो जाएगा, तो ये हमारा परफॉर्मेंस और क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू द एग्जैक्ट कंप्यूटेशन ऑन दिस। ठीक है, फ्रॉम प्राइस बार डॉट सिक्वल डॉट फंक्शन we need to import a broadcast variable here. Yes, friendly हमें import करना पड़ेगा इसको, otherwise it will show an error. ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस डेटा को क्या करते हैं कि बिना ब्रॉडकास्ट किए हुए ज्वाइन करके देखते हैं, एंड वी कैन सी कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है इस केस में। ठीक है, तो नाउ प्लेयर डॉट सेलेक्ट, ओके नहीं हमें प्लेयर को ब्रॉडकास्ट करना है ना, तो हम एट्रीब्यूट को लेते हैं। एट्रीब्यूट डॉट, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग वन टू फ्यू कॉलम्स फ्रॉम दिस। प्लेयर अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर आईडी, ओके लेट मी सी की कॉलम्स इसमें कौन कौन सा प्रेजेंट है। We have a method dot column. Now it is giving me just give me a second guys. Okay, so now you can see column is the method which give me the list of column ki hamare paas kaun kaun sa column present hai nahi hai. So you can see that actually s earlier I've used column, but it's s columns. So as I can see, I'm just selecting one column from here, player API ID. So now I have used this column over here. Now I'm doing join. Okay. Dot join. Okay. So simple, I'm just using first without using broadcast. Directly I'm using normal join over here.
now you can see this column is common between those data frame. The first one, the player's attribute and the player one. So I'm just doing a join based on this API ID. And how I'm doing this is the inner join. So this is the way to do the join, okay? Let me see, koi issue to nahi hai. No, that's fine. Now I can do result dot take off 5. So what I have done is ki 5 records humne select kiya. So it's giving me this much result ki haan ye hamara data aisa hai. Yeah, it is populating me result. But if I have to use broadcast, now what I can do is I just broadcast it and then I run this one. So now you can see ये जैसे ही हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे तो हमारा प्रोसेसिंग जो है वो क्या है, सिंस कि हमारा डेटा सेट थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे द एट्रीब्यूट वन एंड वी हैव ओनली वन नोड ऑफ क्लस्टर, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग 0.53 सेकंड्स. बट व्हेन वी हैव अ लाइक सेटअप फॉर द बिग डेटा इंटायरली, सो हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू डू इज कि हमारे पास इसका प्रोसेसिंग जो होगा वो बहुत जल्दी और बहुत फास्ट हो जाएगा. क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है कि सारा डेटा एक ही नोड पे है, तो हम अगर उसको ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो वो डिफरेंट, वो सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, ठीक है. बट जैसे ही अगर हमारा क्लस्टर कंप्यूटिंग होगा वहां पे, तो एज सून एज वी डिड द ब्रॉडकास्ट ओवर हियर, इट विल गिव मी अ रिजल्ट व्हिच इज लेसर देन द नॉर्मल जॉइन वी यूज्ड टू डू इट. बट सॉरी आई कैन नॉट डेमोंस्ट्रेट ओवर हियर, इट इज गिविंग मी लॉन्गर टाइम, बट इन एक्चुअल इट इज, इट विल गिव मी द लेसर टाइम. So this is the way to do the broadcast of a particular data frame. We have to just import the broadcast function from the pyspark.sql.function, and then we have to just whichever data frame you want to broadcast it, just do it. And then on which column you want to join, so that is a player column where you want to join, and how we are joining is based on inner join, outer join, left join, which one you want to use, just use it. So, इसका बेसिक पर्पस हमेशा याद रखो कि जब भी हम ये यूज करते हैं, व्हाट आई कैन से, ब्रॉडकास्ट वेरिएबल का हमारा मेनली यूज जॉइनिंग के टर्म पे होता है. जब हम नॉर्मल जॉइन अगर हम करेंगे ऑन अ ह्यूज डेटा सेट, तो ये परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगा, रादर कि हम क्या करते हैं, एक ब्रॉडकास्ट जॉइन को यूज करते हैं. सो दिस इज द वे टू डू द ब्रॉडकास्ट जॉइन. एनी क्वेश्चन गाइस स्टिल हियर? I'm taking a pause for a second. एक सिली क्वेश्चन है, मतलब मैं ज्वाइन पूछना, जैसे आपने यहाँ पे इनर ज्वाइन किया, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम मैंने लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, अगर लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो जो बड़ा वाला मतलब फाइल उसका सभी डेटा आ जाएंगे, ठीक है. देखो तुम कुछ कोई सा भी ज्वाइन करो, ठीक है, इट डजंट मैटर, द मैटर इज कि हमारा डेटा सेट कैसा है, ठीक है. अगर नॉर्मल हमारा दो डेटा फ्रेम है तो वो वैसे ही रिजल्ट देगा. अगर एक हमारा ब्रॉड, द सिंपल एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस एज आई शो हियर इन अ डायग्राम फ्रॉम पिक्चर, कि जैसे ही हम इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो सारा टास्क हमारा सेग्रीगेट हो गया है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे फास्ट हो जाए. दैट इज द एडवांटेज ऑफ ब्रॉडकास्ट. रिजल्ट में हमारा कोई भी चेंज नहीं, रिजल्ट जो हम नॉर्मल ज्वाइन करेंगे वो भी वही देगा, जो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करेंगे वो भी वही देगा. मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, जैसे आपने, अगर आपने T1 नोड पे, T1 जो वर्कर नोड है, T1 वर्कर नोड में अगर आप मान लीजिए ये जो मेरा है स्मॉल फाइल है, स्मॉल फाइल का डेटा है जिसे मैंने मेमोरी में रख दिया, और ए जो बड़ा वाला ए है वो मेरा मतलब बिगर फाइल है, ठीक है, बड़ा वाला ए, नहीं नहीं नहीं, बड़ा बड़ा वाला ए जो है, सॉरी वो स्मॉल, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, तो जो स्मॉल ए है वो बिग फाइल है और जो कैपिटल ए है वो स्मॉल फाइल है, ठीक है. तो स्मॉल ए का पूरा डेटा अपने पास है, मतलब जो स्मॉल फाइल है उसका पूरा डेटा अपने पास है, राइट,
मतलब मशीन में है, नोड में है, और जो स्मॉल, हाँ, और जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो स्मॉल है का जो बड़ा वाला फाइल है उसका बस पार्शियल डेटा अपने पास होगा, राइट? राइट तो पार्शियल डेटा होगा, तो जब अगर ज्वाइन करेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन, तो वो तो पूरा डेटा अपने पास तो होगा नहीं, तो फिर वो ज्वाइन सही से कर नहीं पाएगा। तो वो शफल करेगा ना लास्ट में, दैट इज द अच्छा डिसएडवांटेज लास्ट, ना, शफल करेगा अच्छा ना फिर वो से सारा लास्ट, मिक्स करेगा। हाँ ओके ओके ओके, दैट इज द हाँ ओके, डिसएडवांटेज कि वो, आप जैसे फॉर एग्जांपल के जैसे हम सपोज करो कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास एक से लेके 120 तक रिकॉर्ड है, ठीक है? तो 1 से 20 तक इसमें है, 20 से 40 तक T2 में है, एंड देन 40 से 60 T3 में है, देन 60 to 80 इसमें है, 80 to 100 एंड 100 to 120 इसमें है। नाउ वो जो ज्वाइन करेगा वो 1 to 20 के बीच में करेगा, फिर ये करेगा 20 to 40 के बीच में, बट लास्ट एक एक चंक करने के बाद वो लास्ट में पूरा डेटा फिर से शफल करेगा, ओके ओके, ठीक है? तो एट लास्ट ये हमारे रिजल्ट पे ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, बट हाँ वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग के लिए परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा, ओके ओके, समझ गया। ठीक है? और वही काम जब हम ब्रॉडकास्ट यूज करते हैं तो चूंकि सारा डेटा हमारे पास एक जैसा है तो उसको लास्ट में शफल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटा हमारा क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में। इसको अगर नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज में अगर तुमको ऐसे समझना है तो लेट मी ब्रिंग यू समथिंग, इसको ऐसे समझो, जैसे देखो हमारे पास एक डेटा है जो कि 1 2 3 4 5 से लेके हमारे पास 100 तक है, ठीक है? इस डेटा को हमने क्या किया, 5 पार्टीशन में स्प्लिट किया, मतलब 5 में। अब क्या हो रहा है कि मान लो पहला जो डेटा है हमारा, उसमें डेटा हमारा पहुंच गया कहां से कहां तक का, 20 से 40 तक का पहला पार्टीशन में। दूसरा में हमारा पहुंचा 80 से लेके 100 तक में। तीसरा क्या है हमारा, मान लो 1 से लेके 20 तक है। चौथा हमारा 40 से लेके 60 तक है। देन लास्ट वाला हमारा 60 से 100 तक, 60 से 80 तक है। ये 5 ऐसे स्प्लिट हो गए इंटरनली, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज हाँ कि ये डेटा हमारा अरेंज नहीं है। मैंने 20 to 40 लिखा है, बट सपोज करो डेटा हमारा मान लो 25, 24, देन 35 इस तरह से अरेंज है। तो सबसे पहले जब ये शॉर्ट करेगा डेटा ये इस वाले को, तो इसको इसने अरेंज किया जो भी था, T1 जो हमारा टास्क था उसने 20 से 40 तक का डेटा को प्रॉपरली अरेंज किया, इन द सेंस ऐसे 21, 22 से लेकर क्या किया 40 तक इसने अरेंज कर दिया, ठीक है? सिमिलर वे में इस ये भी क्या हुआ, अरेंज हुआ प्रॉपर वे में। सो हमारा डेटा आया कैसा, 81, 82 से लेके कहाँ तक, 100 तक। देन ये थर्ड वाला भी हमारा क्या हुआ, अरेंज हुआ 1, 2 से लेके 20 तक, ठीक है? देन ये लास्ट सेकंड लास्ट वाला भी हमारा वैसे ही अरेंज हुआ, 41, 42 से लेकर 60 तक अरेंज हुआ। देन लास्ट वाला भी हमारा क्या होगा, ऐसे ही अरेंज होगा, 61, 62 से लेकर ये सॉरी 80 तक अरेंज हुआ। लेकिन अभी भी तुम देखो कि डेटा ओवरऑल मेरा अरेंज नहीं है प्रॉपरली, असेंडिंग ऑर्डर या हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो एट लास्ट हाँ ये फिर पूरे डेटा में शफल करेगा, एंड देन अगेन इट विल गिव यू द रिजल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके जो भी है हमारा 100 तक, ये शफल होगा। बट उस केस में क्या करेगा, ये इंटायर शफल नहीं करेगा, ये क्या करेगा, पहले इस वाले को उठाएगा, इस वाले को उठा के यहाँ आएगा, सबसे पहले रखेगा, ठीक है? क्योंकि डेटा ऑलरेडी हमारा सॉर्ट हुआ पड़ा है, बस ऑर्डर उसको अरेंज करना है। देन ये फिर ये वाला उठाएगा, इसको रखेगा, फिर ये उठाएगा, इसको यहां से लाके यहां रखेगा, देन ये देन ये ऐसे अरेंज होगा, ओके okay. ठीक है? तो यहां पे एट लास्ट जो टास्क है, जो जितने पार्टीशन में डेटा है वो शफल करेंगे, बट इंटरनल शफलिंग नहीं होगा, क्योंकि
क्योंकि इंटरनल करने का जरूरत नहीं, इंटरनल में तो ये ऑलरेडी शफल होकर डेटा हमारा सॉर्ट है, बस इसका ऑर्डर अरेंज करना था, तो वो यहाँ पे करेगा, बट शफल होगा वो डेफिनेटली। बट व्हेन वी यूज ब्रॉडकास्ट वेरिएबल, वहां पे हमें इसको जरूरत ही नहीं करने का, वहां पे जो भी ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में वो डायरेक्टली ये स्टेज को स्किप करेगा, ये वाला, एंड इट विल गिव यू दिस वन। ओके ओके समझ गया। हाँ ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट वेरिएबल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्यूमुलेटर साइड। सो एक्यूमुलेटर में तुम्हारा क्या है कि ये रीड ऑनली, सॉरी ये तुम्हारा क्या है, राइट ऑनली है, ठीक है, इन द सेंस कि जब हमारा डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको रियल टाइम से, ठीक है, हमारे पास सपोज करो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डेटा इनपुट है, लाइक सपोज कर्नाटका का है, तमिलनाडु का है, दिल्ली का है, बिहार का है, झारखंड का है। नाउ ईच वन, अगर हम कोई एक फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन, और एक फंक्शन से हम उसको कॉल करते हैं और चेक करना चाहते हैं कि सिटी वाइज पॉपुलेशन कैसा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे बिहार में हमारे पास सम अराउंड 40 डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली में फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 है, ठीक है, दिस इग्नोर मी फॉर माय स्पेलिंग मिस्टेक। कर्नाटका में हमारे पास मान लो 50 है, 55, तमिलनाडु में 60 है, ठीक है, एंड देन जेएच झारखंड में हमारे पास 30 है। अब हमें क्या करना है कि हर स्टेट वाइज हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो अगर हम कोई एक नॉर्मल वेरिएबल अगर हम बनाएंगे, नॉर्मल फंक्शन अगर हम इसको डिफाइन करते हैं जो काउंट एज अ काउंटर, तो वो क्या करेगा, इसके डेटा को भी कैलकुलेट करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा, एंड देन सबका कैलकुलेट करके वो ओवरऑल हमें बता देगा कि हाँ चलो ओवरऑल हमारे पास 1000 काउंट है। बट एक्चुअली में हर स्टेट के लिए हमें अलग अलग काउंटर रखना है, लाइक फॉर बिहार के लिए हमारे पास 200 है, दिल्ली के लिए 100 हुआ, ठीक है, एंड देन कर्नाटका के लिए हमारे पास 400 है, देन इसके पास भी 150 एंड देन 150 है। तो अगर कुछ ऐसा मेथड अगर हम बनाते हैं, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि अगर हम कोई भी फंक्शन, अगर हम जैसे फॉर T1 इज इक्वल टू बिहार अज्यूम करो, तो अगर उस सिचुएशन के लिए अगर हम काउंट करेंगे तो इसका काउंटर वैल्यू हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, राइट, या जो भी काउंटर अगर हम रिटर्न करेगा ये वैल्यू मास्टर नोड को, तो इसका एक्सेसिंग क्या होगा, अपने T1 तक ही वो एक्सेस कर पाएगा, जो कि आगे हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में एज अ काउंटर, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होता है, ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, तो वहां पे जितने प्रोडक्ट हमारा सेल होता है तो हम उसको +1 +1 +1 ऐड करते जाते हैं ना। तो उस सिचुएशन में जहां पे हमारा सिनेरियो ऐसा क्रिएट है कि हमें हमें बस एडिंग करना है या ओवरऑल रिजल्ट हमें उस रिट्रीव करके फाइनल आउटपुट दे टू मास्टर नोड, तो वहां पे हमें एक्यूमुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि रीड राइट साइड, सॉरी ए वन टाइम रीड एंड देन मेनी टाइम्स राइट शेयर्ड वेरिएबल है, एडेड इन एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी मैनर। एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी इज नथिंग बट ए प्लस बी इक्वल, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस B plus A. This property is called as associativity. ठीक है, commutative में क्या होता है कि A plus, सबसे पहले वो B plus C calculate करेगा. That also should be equal to A plus B plus C. ठीक है, but इसके limitations हैं accumulator के लिए. Accumulator का limitation क्या है? कि डेटा टाइप जो होगा वो इन्हीं तीन डेटा टाइप होना चाहिए, इसके अलावा वो किसी और पे ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा ही नहीं। इट शुड बी लॉन्ग, डबल
एंड कलेक्शन, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास किसी और डेटा सेट पे ये प्रोसेस हमारा ये करेगा ही नहीं। इसका एग्जाम्पल आई थिंक आई हैव, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। As you can see, हमने ये दो डेटा फ्रेम को रीड कर लिया। रीड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक UDF बना रहे हैं। UDF is nothing but user defined function हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो कि हम इस डेटा में एक डेट कॉलम है। डेट कॉलम बेसिकली हमारे पास पूरा DDMMYY आवर मिनट सेकेंड सब कुछ है वहां पे, ठीक है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसमें से हमको केवल ईयर कॉलम चाहिए। लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ डेट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द टाइमिंग, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन अ ईयर कॉलम। तो मैंने क्या किया, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ बना दिया, ईयर एक्सट्रैक्ट UDF इक्वल टू लैम्डा डेट, और स्प्लिट हमने क्या किया हाइफन के बेसिस पे उसको निकाल के वो जीरो वाला वैल्यू जो कि सबसे पहला इट्स फॉर्मेट इज YYYMMDD। लेट मी शो यू सम डे आफ्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अनुभव, ये UDF क्या बाय डिफॉल्ट कोई डिफाइंड फंक्शन है क्या जो यूज कर रहे हो आप? सॉरी, आपने जो लैम्डा में UDF का बाहर यूज करा है ना, UDF के अंदर आपने लैम्डा फंक्शन लगाया है, तो ये UDF का प्रीडिफाइंड फंक्शन है कोई? हाँ, ये पाइथन एपीआई का पार्ट है ना। अच्छा, ये यूडीएफ ना। हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो तो है, मतलब हाइव में यूज करा है ना, मतलब वैसे ही यूज करा था। हाँ हाँ, नहीं एपीआई है जो पाइथन हमें देता है। ठीक है ठीक है, तो मैंने बस उसको यूज कर लिया, ठीक है। लेट्स सी डेटा एट्रीब्यूट्स डॉट टेक ऑफ फाइव फाइव रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिट्रीव करवा रहा हूँ इसको। सी यू कैन सी दिस वन, डेट का हमारा फॉर्मेट कैसा है, दैट इज YYYMMDD। तो जब भी हम डेटा को स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट क्या करता है, कलेक्शन लिस्ट बनाता है। तो 2000 विल स्टोर इन एलिमेंट 0, 02 विल स्टोर इन 1, then 18 is in 2, so it should be 0, 1 and 2. तो हमें क्या करना है, first record fetch करना है, that is 2016. तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 0 element दिया है, ठीक है, clear? Then player attribute जो कि हमने ऊपर बनाया था, player attribute में यहाँ पे हमने player attribute बनाया हुआ है। इस player attribute में हम क्या किए, with column function लगाए। with column क्या करता है कि अगर हमें कुछ नया कॉलम ऐड करना होता है एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में, तो वी आर गोइंग टू यूज विथ कॉलम फंक्शन। विथ कॉलम के साथ हमने क्या किया, ईयर दिया कि हमें क्या करना है, ईयर यूज करना है। देन ईयर एक्सट्रैक्ट UDF इक्वल टू, ये मेथड हमने कॉल कर लिया। UDF के अंदर किस डेटा फ्रेम पे हमको कॉल करना है, तो डेटा फ्रेम हमारा क्या है, प्लेयर एट्रीब्यूट, और किस कॉलम पे करना है, तो डेट कॉलम पे करना है। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास डेटा कैसा आ रहा है। You can see कि लास्ट कॉलम ये वाला, I'm just referring to this. जब भी हम विथ कॉलम यूज करेंगे तो वो लास्ट में हमारा कॉलम ऐड होता है, एंड द डेटा विच विल गिव यू इज लाइक 2016, 2015, ये रिजल्ट हमारा ऐड हो गया। UDF में कोई डाउट है क्या, या कुछ क्वेश्चन है कि कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है? इट्स अ सिंपल, जैसे हेलो, ये जो तीसरा लाइन है वो समझ में नहीं आया थोड़ा सा, जो लास्ट वाला जो प्लेयर एट्रीब्यूट डॉट डेट आप लगाया हो वो कैसे मतलब काम कर रहा है? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर।
ये विथ कॉलम के लिए कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है क्या? नहीं, डिफॉल्ट है, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें से। ये हमारे पास गेट कॉलम है, ठीक है। इसी पे हमको क्या करना है, हमने क्या किया यूडीएफ डिफाइन किया, जिसमें हमने क्या किया स्प्लिट कर दिया इसको। स्प्लिट किस बेसिस पे किया है, हाइफन के बेसिस पे किया है। एंड देन व्हाट वैल्यू आर फेचिंग, जीरो। सो सबसे पहली बात, अभी जीरो को भूल जाओ। जैसे ही हम इसको स्प्लिट करते हैं तो हाउ दिस डेटा विल, ये तो एक सबसे पहले हमारा लिस्ट बनेगा जिसमें से सबसे पहला वैल्यू 2015, देन 11, देन 19। ये हमारा एक डायनेमिक लिस्ट बन जाएगा इंटरनली जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया। और इट विल नॉट सी दिस वन बिकॉज कि हमने सेपरेटर डाला है हाइफन, तो हाइफन हमारा इन्हीं दो जगह पे प्रेजेंट है, इसको वो इग्नोर कर देगा एनीवेज। तो जो लिस्ट हमारा यहाँ पे बना है, वो लिस्ट का डेटा हमारा सेग्रीगेट सपोज करो वो ऐसा हो गया। सो लिस्ट का एलिमेंट ट्रैवर्स जब हम करते हैं तो हमें पता है कि इंडेक्सिंग हम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। सो 2015 अगर हम एल ऑफ जीरो को कॉल करेंगे, सो एल ऑफ जीरो विल गिव अस 2015। एल ऑफ वन इफ यू आर कॉलिंग देन इट विल गिव मी, इट विल गिव अस 11. If we call L of 2, it will give me 19. So हमने split method में क्या किया? L of किसको call कर लिया? 0 को. That's why it is giving me a result as a 2015. इसी को बस हमने as a UDF बना दिया, ठीक है, जो कि इस लाइन में हमारा हो रहा है। ये लाइन बस हमारा वही काम कर रहा है, this one. ठीक है। नाउ प्लेयर एट्रीब्यूट जो हमारा ऑलरेडी हमने रीड, यहाँ पे प्लेयर एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे क्रिएट किया ना, ये प्लेयर एट्रीब्यूट, ये डेटा फ्रेम है। इस डेटा फ्रेम में हमने क्या किया, एक विद कॉलम ऐड किया। विद कॉलम इन द सेंस कि जो भी हमारे डेटा फ्रेम में जितने कॉलम होंगे उसके साथ हमने एक कॉलम और ऐड किया, वो कॉलम क्या था, ईयर। अब इस ईयर के अंदर क्या किए हमने, ये यूडीएफ कॉल किया यहाँ पे। और ये UDF किस डेटा फ्रेम पे कॉल हुआ है, प्लेयर एट्रीब्यूट के डेट कॉलम। सो नाउ ईयर विल हैव 2015 एज अ वैल्यू। गॉट इट? ओके, हाँ समझ गया। हाँ हाँ क्लियर। नाउ हमने क्या किया, कुछ डेटा इसमें से फिल्टर आउट कर लिया। 2016 का डेटा हम मान लो फिल्टर आउट कर लिया प्लेयर एट्रीब्यूट्स में। तो नॉर्मल है, हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म किया, then player attribute dot year equal to 2016 दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो there is also a way कि हम इसको हटा दें, हम यहाँ से इसको ऐसे quotes में मैसेज डाल सकते हैं, तो it will also give me the same result, it won't vary, ठीक है। let's see, अगर वो प्रोसेस अगर लग रहा है कि लेंदी है, लाइक कि हमें अनदर वे इज लाइक डूइंग और दिस इज लाइक दिस, जो फिजिबल है उस तरह से आप इसको यूज करके कॉल करके आप कर सकते हो। द रिजल्ट डजंट वैरी, इट विल गिव अस द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो आपके बेसिस पर, बट यहाँ याद रखना कि अगर ऐसा है तो आपको हमेशा इसके ऊपर कोट्स देना होगा। एंड सपोज कि करो कि 2016 हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, देन यू हैव टू स्पेसिफिकली ऐसे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस फॉर्मेट में यूज करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होना कि हमें कैसे यूज करना है। दोनों वे में काम करेगा ये, बट यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट का तो एक्सप्लेन हो गया। अब देखो एक्यूमुलेटर में हम कैसे इसको यूज करते हैं, ब्रॉडकास्ट के लिए हमें क्या करना पड़ा था, ब्रॉडकास्ट को इंपोर्ट करना पड़ा था, राइट, रिमेम्बर। यहाँ पे हमने क्या किया था, ब्रॉडकास्ट को हमने इंपोर्ट किया था, बट एक्यूमुलेटर में हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल कि हमारा एक्यूमुलेटर में हमने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया शॉर्ट काउंट, ये डेटा सेट है हमारा, ठीक
ठीक है, जो प्लेयर डेटा सेट है, प्लेयर डेटा सेट में हम क्या कर रहे हैं कि हाइट वेट हमारे पास सारे कॉलम्स हैं, तो हम हाइट के ऊपर सेग्रीगेट करना चाहते हैं कि इस हाइट का बंदा कितना है, जिसका हाइट मान लो बेस्ड ऑन बिलो कंडीशन, इस कंडीशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेटा सेग्रीगेट करेंगे कि जिसका हाइट 175 सेंटीमीटर से कम है उसको हम शॉर्ट काउंट में डाल दें कि भैया उसका हाइट क्या है, कम है। देन जिसका हाइट 183 से 175 के बीच में उसको मीडियम में डालेंगे, जिसका 195 से 183 के बीच में है उसको हम मीडियम हाई में डालेंगे, और जिसका उससे भी ज्यादा है उसको हम क्या करेंगे, टॉल वाल कैटेगरी में हम सेग्रीगेट करेंगे। तो द वे टू क्रिएट एक्यूमुलेटर इज व्हाट, कि हमें स्पार्क कॉन्टेक्स्ट का यूज करना पड़ता है, देन स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्यूमुलेटर, और ये इनिशियल वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं, जीरो इन द सेंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, क्योंकि जब भी कोई पॉइंटर हमें ऐड करना होता है तो पॉइंटर विल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो इसको हम चेक करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सारे ब्रॉडकास्ट, ये सारे हमारे एक्यूमुलेटर वेरिएबल, दिस आर द एक्यूमुलेटर। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रन करो तो मे बी आई थिंक ये एक्यूमुलेटर गिव, इट विल गिव यू द एक्यूमुलेटर टाइप, एक्यूमुलेटर सी इट गिव अस कि किस टाइप का डेटा है, ये एक्यूमुलेटर है, राइट। नाउ हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, जिस फंक्शन में हमने डिफाइन किया ये लॉजिक कि डेटा जो हो वो हमारा क्या हो, इसके बेसिस पे हो, कि हाइट अगर हमारा ऐसा है, इट्स बेस्ड ऑन द कंडीशन, हमने क्या किया है इसका डिफाइन कर दिया। नाउ दिस वन आई एम गोइंग टू कॉल इट ऑन अ डेटा फ्रेम, बट द प्रॉब्लम इज, लेट मी रन इट अगेन। अच्छा, ये प्लेयर हेडिंग एक्यूरेसी में हमने क्या किया था कि प्लेयर एट्रीब्यूट और प्लेयर वाले को जस्ट हमने ब्रॉडकास्ट करके ज्वाइन किया था, दैट्स इट, वी हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स प्लेयर हेडिंग एक्यूरेसी में। एंड नाउ वी आर जस्ट चेकिंग कि काउंट वाइज ये कितना कैसा वैल्यू आ रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि ड्राइवर यहाँ पे हमारा फेल हो जा रहा है। ओके, नाउ दिस टाइम इट रन, ठीक है। नाउ आई विल सी कि डेटा अब हमारा कैसा है, यू कैन सी कि शॉर्ट वाले का काउंट 19,204 है, मीडियम वाले का काउंट 98,000 है, मीडियम हाई वाले का 62 है, और टॉल वाले का काउंट 304 है। तो ये अलग 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 अगर हमें काउंटिंग करना था तो एक वेरिएबल में ये चीज नहीं हो पाता, क्योंकि और वो भी ये फाइनल आउटपुट रिटर्न नहीं करता क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस लोकली होता है। तो जैसे ही हमने इसको एज एन एक्यूमुलेटर यूज कर लिया बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, तो वो एक एक डेटा को क्या किया, फॉर ईच एलिमेंट में क्या हुआ, एक एक डेटा को ट्रैवर्स किया, ट्रैवर्स करने के बाद उसका हाइट चेक किया, हाइट चेक करने के बाद उसने इस बेस्ड ऑन दिस कंडीशन वो एक एक वैल्यू, लाइक आई हैव रिटन शॉर्ट काउंट दैट एड इक्वल टू वन, रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, कि जैसे ही हम एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं, वी आर नॉट सपोज टू यूज प्लस साइन, प्लस विल, प्लस इज लाइक मैथमेटिकल ऑपरेटर, सो मैथमेटिकल ऑपरेटर विल नॉट वर्क ऑन एक्यूमुलेटर, यू हैव टू यूज एड मेथड टू एड अ वैल्यू इनटू दैट, ठीक है। तो एड करने के बाद ये डेटा हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करके दिखा दिया कि ये सारे इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए हमारे पास इतने सारे काउंट हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूमुलेटर। Do you have any sir, question? Sir, यहाँ one का मतलब होता है number of elements. One का मतलब add नहीं, one जो किए थे, one का मतलब number of elements होता है. नहीं, one मतलब एक-एक value हम add कर रहे हैं. Like जैसे मान लो मेरा height 180 है. Okay. तो starting zero जैसे ही count start होगा, तो count जैसे ही 180 मेरा height है, तो 180 fall into this category. ठीक है, ये second वाले category में जाएगा. तो मीडियम लो काउंट डॉट एड, उसको पहले मीडियम लो काउंट को देखो, मैंने इनिशियलाइज जीरो से किया, सारे वैल्यू को इनिशियलाइज मैंने जीरो से किया, ठीक है, यू कैन सी जीरो, इट्स जस्ट लाइक एक एक वैल्यू हम जैसे जैसे पॉइंटर जिस कैटेगरी में जाएगा वो एक एक वैल्यू एड करते जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आएगा तो फिर टू, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आया तो थ्री, प्लस वन वो होते जाएगा, बट यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट यूज प्लस ऑपरेटर बिकॉज कि वो मैथमेटिकल है, एक्यूमुलेटर में प्लस यूज नहीं होता, दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग एट मेथड ओवर हियर। एक क्वेश्चन और है अनुभव, इन केस मतलब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अगर हमारे डिफरेंट वर्कर नोड्स हैं, ठीक है, तो
सब पे अपना एक्यूमिनेटर अपना ठीक है वो सम अप कर लेगा एज पर द कंडीशन, बट ठीक जो है। एंड रिजल्ट है उसको कौन ड्राइवर कर रहा है, कौन कर रहा है फिर नहीं, जो वर्कर मैं। नोड ये कैलकुलेट करने के बाद ड्राइवर नोड को दे रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे हम जब ये कॉल कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली दिस इज हाँ ड्राइवर नोड इज एग्जीक्यूटिंग दिस वन एंड ड्राइवर नोड इज गिविंग मी दिस वैल्यू। ओके, मतलब वर्कर्स जब हमारा रिजल्ट देते हैं अपना अपना, तो वो ड्राइवर है जो कि उसको कंबाइन करके हमें देता है, राइट। कंबाइन करके देता है राइट। आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि हमारा ड्राइवर कोई भी कंप्यूटेशन नहीं करता। ड्राइवर कंप्यूटेशन नहीं करता बट ड्राइवर आउटपुट तो देता है ना। कंप्यूटेशन ये सारा तो वर्कर कर रहा है, कैलकुलेशन हो गया देखिए है जो कर वर्कर रहा है। तो अपना अपना करेगा ना, क्योंकि हर एक पे अपना अपना डेटा होगा ना, वो तो उसके उस हाँ डेटा के व्याप पे ही अपना अपना सम देगा। बाय चांस मान लीजिए जैसे 19,208 है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी हर एक के अराउंड 5,000 और किसी में प्लस माइनस होके आ रहे हैं, तो जो सबका समीशन तो हमारा 19,204 आ रहा है, राइट। तो हाँ ये एंड रिजल्ट तो चार वर्कर नोड्स का अगर मैं मान रहा हूँ, तो वो चारों ने अपना रिजल्ट दे दिया था ठीक है बट है ना, एक हाइट का उसको मतलब ऐसा नहीं नहीं मीडियम नहीं वर्क। नहीं 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 ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। देखो वो कह रहा है कि 19,204 का कंप्यूटेशन एक वर्कर नोड पे हुआ। अब ये जो तुम कैटेगरी जैसे तुमने डिफाइन किया कि 19,204 का जो तुम्हारा कंप्यूटेशन हुआ वो चार टास्क के बेसिस पे हुआ ठीक है। वो चारों टास्क ने मिलके सम 19,204 वर्कर नोड वन को दिया। सिमिलर वे में वर्कर नोड टू पे सारा कंप्यूटेशन होके ये सारा वर्कर नोड टू में ये स्टोर हुआ ये वैल्यू ठीक सो है। मीन्स सिमिलर नहीं तो इस केस में तो एज पर यू जो आप बता रहे हो उसके केस में तो ये हुआ कि जो शॉर्ट काउंट है वो मेरा एक ही वर्कर कर रहा है। यस वी आर रेफरिंग, अगर ऐसे समझना है तो वैसे समझो कि अगर ये बट एक अगर नॉर्मल से एक डेटा सेट लें जिसमें कि हर टाइप का डेटा है और वो वहां पे जाके मेरा फिल्टर होके मैं काउंट कर रहा हूँ, तो मतलब थोड़ा सा मुझे वियर्ड सा लग रहा है कि ऐसा मेरा डेटा सेग्रीगेट हो जाएगा पहले अलग। वो तो एक खुद एक बहुत ज्यादा हैवी ऑपरेशन हो गया कि मैंने नेटवर्क ऑपरेशन लेके शॉर्ट अलग भेजा, मीडियम अलग भेजा, मीडियम हाई अलग भेजा, उसके बाद उन लोगों ने उसका काउंट करा और मेरे को अपना भेजा फिर वापस से। देखो सिंपल सा चीज है, लेट मी कॉपी दिस। ये हमारा चार रिजल्ट आया ठीक है। ये हमारे पास ये मास्टर नोड जो है इट विल हैव दिस वैल्यू व्हिच इज गिविंग मी अ फाइनल रिजल्ट बट इंटरनली 1904 हाउ इट इज कैलकुलेटिंग 19204 सपोज करो ये मेरा एक वर्कर नोड वन पे कैलकुलेट हुआ ठीक है। ये इंटरनली इसके फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है कि ये चारों कंप्यूटेशन में भी 98598 ये चारों कंप्यूटेशन एक ही वर्कर नोड पे हो ठीक है या ये चार अलग चारों पे हो सकते हैं ठीक है। ये स्पार्क का इंटरनल फंक्शनैलिटी है कि डेटा वो कैसे स्प्लिट हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं अभी एक ही वर्कर नोड पे डाल रहा हूँ सारा डेटा ये सारा हमारा एक ही वर्कर नोड पे गया होगा, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो ठीक सोना। है। इसमें सारा करके रिटर्न करके मास्टर नोड को दे दिया। अब नाउ सेकंड सिनेरियो, अब ये समझो कि हमारे पास डेटा स्प्लिट डिफरेंट डिफरेंट वर्कर नोड्स पे है ठीक है। तब भी ये चारों रिटर्न करेगा मास्टर को ही करेगा। ये इंटरनल में भी अब ये वर्कर नोड टू के अंदर मान लो हमारे पास चार टास्क हो गए T1 T2 T3 T3 एंड देन T4 ये चार टास्क हुए हैं। तो ये इंटरनली चारों जो एक्यूमुलेट जो ये फंक्शनैलिटी जब हम यूज किए ना ये वाला कहाँ गया ये चीज दिस वन। सो दिस करेक्ट एक्चुअली हैपनिंग ऑन दिस टास्क, ये टास्क लेवल पे इंटरनली हो रहा है सही है। एंड देन इट गिव्स टू द वर्कर नोड टू एंड वर्कर नोड विल हैव दिस वैल्यू एंड देन अगेन इट विल गिव टू द मास्टर नोड। ये भी करेक्ट है, बट मेरा थोड़ा सा डेटा लेवल पे क्वेश्चन अलग है। मींस माइट भी हो सकता है कि अभी कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, बट एक बार बता देता हूँ आपको। अगर
जितना भी अभी टोटल काउंट है सपोज इतना ही हमारा डेटा है राइट, तो जो हमारा फर्स्ट जो वर्कर नोड पे जो डेटा गया था उसको मानता हूँ कि जैसे 20,000 रिकॉर्ड्स वहाँ पे गए हैं, ठीक है क्योंकि हमारा वर्कर नोड से सब पे अपना अपना डेटा पड़ा हुआ है, वो उसी पे काम कर रहा है। तो जो ठीक है 20,000 रिकॉर्ड्स है ना उसमें हमारा हर टाइप का डेटा है, उसमें मेरी स्मॉल हाइट भी है, मीडियम भी है, और मीडियम जो भी मतलब आपने जो 3-4 उसमें सेग्रीगेट करें, चारों का ठीक रिकॉर्ड्स है है उसमें, ठीक तो है उसके चारों को काउंट्स कर रहा है। जैसे 20,000 है तो उसमें करीबन कोई 4,000 है, कोई 6,000 है, कोई 3,000 है, कोई 6,000 अगेन, मींस अराउंड टू बी 20,000 का राउंड ऑफ होता है। ठीक है ऐसे सेम अदर अदर वर्कर नोड्स पे भी उस टाइप का ही डेटा है। मैं कह रहा हूँ कि जो ओके, सो फर्स्ट तुम्हारा कहने का मतलब है कि डेटा सेग्रीगेटेड है, मतलब एक वर्कर नोड पे एक डेटा नहीं है, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। यस, तो वो एंड ऑपरेशन कैसे होगा फिर, मैं वो बस पूछना चाह रहा था आपसे। नहीं तो वो भी जो तुम्हारा कैलकुलेशन होगा ना, इन दैट वे इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी कि ये सारा जो कैलकुलेशन तुम्हारा हुआ है, लाइक आई गॉट योर क्वेश्चन, कि तुम्हारा इसमें भी तुम्हारा स्मॉल वाला है, मीडियम वाला है, मीडियम हाई वाला और टॉल वाला है, राइट? तो इस सिचुएशन में भी ये क्या करेगा, इसके अंदर वो काउंट करेगा, एक सेकेंड, जैसे वर्कर नोड वन में हमारा जो स्मॉल का काउंट है सपोज करो 5,000 है, ठीक है, वर्कर नोड टू में हमारा काउंट फॉर एग्जांपल 4,000, इसी तरह से वर्कर नोड थ्री पे 6,000 हो गया, एंड देन वर्कर नोड फोर पे हमारा जो काउंट है सपोज करो जो भी है 5,500 के आसपास, राइट? ये सारे पे स्मॉल के लिए इसने ऐसा ऐसा काउंट कर लिया, बट व्हेन इट गिविंग फाइनल रिजल्ट टू द मास्टर नोड, इट इंटरनली कंप्यूटेड ऑल दिस कैलकुलेशन एंड इट विल गिव यू द फाइनल एज दिस वैल्यू। तो इंटरनली ड्राइवर नहीं करेगा मतलब, क्योंकि एंड ड्राइवर तो मैं कुछ नहीं करेगा, ड्राइवर कुछ नहीं करेगा, ड्राइवर बस तुम्हें रिजल्ट देगा, जो भी काम होगा वो वर्कर नोड पे ही होगा। अच्छा, किसी एक वर्कर नोड को ही देते होंगे इंटरनली, किसी नोड को। अब मे भी हो सकता है कि ये चारों ने वर्कर नोड 1 को अपना रिजल्ट दिया, वो वर्कर नोड 1 पे ही ये सारा सम अप हो गया एंड देन 1,920 एज अ रिजल्ट के। ठीक है ठीक है ठीक है, सेंस मेक सेंस। ये फाइनल काम भी एक वर्कर नोड पे ही होगा ना? हां सॉरी, मींस ये जो फाइनल वाला जो काउंट होगा वो भी एक वर्कर नोड पे ही होगा। वो वर्कर नोड पे ही होगा, जितने कंप्यूटेशंस हैं वो सारे वर्कर नोड पे। रिमेंबर वन थिंग, मास्टर नोड पे कुछ नहीं होगा, मास्टर नोड का केवल दो ही काम है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट करना, टास्क असाइन करना वर्कर नोड को और रिजल्ट यूजर को प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो काम होता है सारा वर्कर नोड के अंदर होगा। हाँ, अपना मैप रिड्यूस में भी तो यही होता है, जब रिड्यूसर का काम आता है तो कोई एक वर्कर नोड ही तो उसमें वर्कर नोड ही करेगा। हाँ, तो सेम यहाँ पे भी चलेगा वैसे। सही है, बिल्कुल सही है, ऐसी होगा। ठीक है ठीक है। अनुभव, एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जैसे ब्रॉडकास्ट में एक ही वर्कर नोड होता है और वो उस लेवल पे वेरिएबल डिफाइन होता है, शेयर्ड वेरिएबल, और बट यहाँ पे एक्यूमुलेटर में मल्टीपल वर्कर नोड्स हैं, ये फर्क होता है क्या एक्यूमुलेटर और ब्रॉडकास्ट में? ब्रॉडकास्ट में भी तो जितने हमारे वर्कर नोड होंगे उतना ब्रॉडकास्ट करेगा वो। अच्छा, तो फर्क क्या है दोनों में बेसिकली? कांस्टेंट है यहां पे, ब्रॉडकास्ट इज रीड ओनली और ये राइट है, ब्रॉडकास्ट जो है रीड है, एक बार उसको हम डिफाइन किए हैं वो दोबारा मॉडिफाई नहीं होगा, बट एक्युमुलेटर इट्स रीड वंस राइट मल्टीपल टाइम्स। ओके ओके, सो एनी मोर क्वेश्चन गाइस, और क्लियर है ये? क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बच गया आज के लिए, एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल, जिसको मैं कभी नेक्स्ट सेशन में, एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल में बेसिकली है कुछ नहीं, ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको पहले भी कई बार डिस्कस किया है बट आई डोंट थिंक यू गाइस रिमेम्बर, जैसे ही हम कोई जॉब सबमिट करते हैं तो जॉब सबमिट क्या होता है, एक स्पार्क जॉब क्रिएट होता है, राइट? अब इस स्पार्क जॉब में देखो कि तुम्हारा कितने जॉब्स हैं, 53 जॉब्स इसने क्रिएट किया, और ईच 53 जॉब्स के अंदर क्या हमारे स्टेजेस हैं, तो जॉब्स में फर्दर स्प्लिट हुआ किसमें, स्टेजेस में। स्टेजेस स्प्लिट होगा नंबर ऑफ पार्टीशन में, नंबर ऑफ पार्टीशन डिपेंड्स ऑन कि डेटा तुम्हारा स्प्लिट कैसे डेटा नोड पे है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेजेस। सो जैसे ही हमारा एक्सप्लिसिटली जैसे ही हम जॉब सबमिट करते हैं तो फर्स्ट इट विल स्पार्क जॉब कन्वर्ट इनटू जॉब्स, जॉब्स कन्वर्ट इनटू स्टेजेस, स्टेजेस कन्वर्ट इनटू अ पार्टीशन, दैट इज हिज एग्जीक्यूशन।
अगर हम लॉजिकल वे में इसको अगर सोचें कि लॉजिकल वे में ये कंप्यूटेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले जैसे ही हम कोई स्पार्क जॉब सबमिट करते हैं, तो स्पार्क जॉब जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो सबसे पहले उसका लॉजिकल प्लान बनता है, ठीक है, कि कौन सा डेटा नोड कैसे, कौन सा आरडीडी कैसे क्रिएट हुआ है, एंड देन कौन सा किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, तो वो लॉजिकल उसका लॉजिकल मैप क्रिएट होता है, लॉजिकल आर्किटेक्चर क्रिएट होता है। फिर वो लॉजिकल मैप को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है इंटरनली। कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर एक टर्मिनोलॉजी है स्पार्क में, जो कि लॉजिकल प्लान को ऑप्टिमाइज करता है, दैट इज वी रेफर टू एज अ ऑप्टिमाइज लॉजिकल प्लान, एंड देन ऑप्टिमाइज लॉजिकल प्लान कन्वर्ट्स इनटू अ फिजिकल प्लान, एंड देन फिजिकल प्लान एक्चुअली एग्जीक्यूट एंड प्रोसेस द डेटा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल ऑफ अ स्पार्क जॉब। सो अगर कोई तुमसे इंटरव्यू में अगर पूछ रहा है कि स्पार्क जॉब का लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करो, तो फर्स्ट तुम्हें एज अ फिजिकल वे में इसको दिखाना है कि जॉब जो होता है सेग्रीगेट होता है स्टेजेस में, स्टेजेस डिफरेंट होते हैं टास्क में, टास्क इज डिपेंडेंट ऑन कि नंबर ऑफ पार्टीशंस हमारा डेटा कितना सेग्रीगेट है। एंड देन कमिंग टू द लॉजिकल प्लान, प्लान जब हम बनता है तो वो तुम्हारा सबसे पहले लॉजिकल बनता है, देन ऑप्टिमाइज लॉजिकल बनता है, जो ऑप्टिमाइज लॉजिकल प्लान जो होता है वो कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर उसको ऑप्टिमाइज करता है, देन इट कन्वर्ट इनटू अ फिजिकल प्लान, एंड देन फिजिकल प्लान एक्चुअली एग्जीक्यूट। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल ऑफ अ आरडीडी और स्पार्क डेटा फ्रेम। इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम में, एक्चुअली आई डिडंट गेट द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द डेटा डायग्राम फॉर दिस, सो नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज एन हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन। सो नेक्स्ट सेशन में इसको हम पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा कि कैसे इसका इंटरनली स्प्लिट होता है, क्या क्या यूज होता है, एंड व्हाट द थिंग्स वी आर यूजिंग, और इसको हम फिजिकली कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या प्लान है। तो इसके लिए एक मेथड भी है, डॉट एक्सप्लेन मेथड है तुम्हारा, एक्सप्लेन मेथड यूज करोगे तो इट विल गिव यू द लॉजिकल प्लान ऑफ इट, कि कैसे 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 डेटा फ्रेम क्या बनेगा, क्या होगा, क्या रीड करेगा, इट विल गिव यू दैट, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में, हाँ हाँ ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, कितने मतलब जॉब्स हैं, कितने मतलब टास्क है, पार्टीशन तो समझ में आ गया कि कितने मतलब पार्टीशन, तो वो फाइल कहाँ पे उसके अकॉर्डिंग है, नहीं कितने जॉब देखो, हैं, कितने स्टेज हैं, वो कैसे डिसाइड होगा फिर? जॉब सबसे पहले जो स्मॉल तुम्हारा चंक है ना, वो स्मॉल चंक है तुम्हारा पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन तुम्हारा डिफाइन है कि नंबर ऑफ डेटा कितने नोड्स पे तुम्हारा स्प्लिट है, जितने नोड्स पे जितने पार्टीशन में तुम्हारा डेटा होगा, नंबर ऑफ जॉब, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं टास्क, उतने नंबर ऑफ टास्क को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। नहीं, सॉरी, टास्क नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, वो जॉब्स, हाँ ब्लॉक सॉरी, साइज, टास्क क्या ही, ब्लॉक साइज, टास्क, हाँ टास्क ही क्रिएट टास्क, करेगा, हाँ, हाँ क्योंकि पार्टीशन इंटरनली से टास्क हुआ। हाँ पार्टीशन से तुम्हारा टास्क क्रिएट हुआ। अब एक टास्क में तुम्हारे डिपेंड ऑन कि तुम्हारा ऑपरेशन कितना हेवी हो रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा नॉर्मल ऑपरेशन है तो वन टास्क इज वन स्टेजेस विल हैव इंटरनली, जैसे हमारा 20 पार्टीशन में डेटा था, तो वन स्टेज विल हैव 20 टास्क, ठीक है, एंड देन वन जॉब विल हैव लाइक, इस तरह से एक हर वर्कर नोड पे अगर 20 20 20 हुआ है, तो इट्स लाइक कि अगर फोर टास्क हम फोर स्टेजेस तुम्हारा हुआ, तो वन जॉब विल हैव फोर स्टेज ऑफ दैट। ये नेक्स्ट सेशन में मैं इसको ओके ज्यादा ठीक क्लियर क्लियर करूंगा, ठीक है। है, हाँ ये जी, देखो तुम्हारा एक्सप्लेन मेथड होता है, जिसके थ्रू हम फिजिकल प्लान हम व्यू कर सकते हैं कि हाउ द प्लान एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा, इसका मैं पीपीटी वगैरह बना के इसको क्लियर कर दूंगा, कि इट विल बी मोर क्लियर ऑन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है फिर। ठीक है। सो इंटरव्यू के लिए तुम्हारा दो तीन क्वेश्चंस जो कि आज मैंने डिस्कस किया, वो मैं की पॉइंट हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला चीज कि ब्रॉडकास्ट वेरिएबल तुम्हारा क्या है, कैसे यूज होता है, एंड कहाँ पे यूज होता है, एंड इट वेर इट डिपेंड्स ऑन तुम्हारा मास्टर नोड पे, वर्कर नोड पे, टास्क पे। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है हमारे साथ। एक्यूमुलेटर में हम हाउ वी कैन परफॉर्म द एडिशन ऑफ, सो वी कैन नॉट यूज प्लस ऑपरेटर, वी हैव टू यूज
what? Add method into that. तीसरा क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी लीनियर में ही बताया था, द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरडीडी लीनियर एंड डैग, यू गाइस विल फाइंड आउट. इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, इसको सर्च करो कि डैग और आरडीडी लीनियर में क्या डिफरेंस है. ठीक है, देन आरडीडी लीनियर हम, इफ यू वॉन्ट टू सी दैट आरडीडी लीनियर विच मेथड वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज dot to debug string method, we have to use that. If we have to see the execution plan of an data frame, which method we can use? So explain method we have to use to see the actual plan of the execution of a data frame. So I think 5-6 questions as many interview level pe discuss kiya hai, and this is very important concept, broadcast and accumulator. If you find ki agar samajhne mein kuch dikkat hua, main aaj recording definitely I'll try to upload this recording video so that you guys can watch it again and make it clear. आप इसको rename कर देना मतलब वीडियो को. ठीक है, नहीं नहीं वो मैं जब अपलोड करूंगा तो वो सारा मतलब उस अपलोड कर देना, मैं नहीं डालूंगा, मतलब नेमिंग कर दो तो मतलब इजीली रहेगा, हमेशा इससे देख सकते हैं कौन सा क्या. हाँ, जो टॉपिक पे डिस्कस हुआ उस टॉपिक के बेसिस पे मैं नाम कर दूंगा उसे. ठीक है, ठीक. हाँ, थैंक यू. ओके, any more questions you guys have? Okay, good to close for today. आज नहीं हो पाता ना वीडियोस का, तो एटलीस्ट आप गिट का लोकेशन दे देना, उसको डाल के तो एक बार शुरू कर लेंगे. मैं आज पक्का 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 आज मैं कर दूंगा, एटलीस्ट कोड रहेगा तो थोड़ा सा गो थ्रू कोड कर लेंगे, बाद में वीडियोस को नहीं. एनीवेज ये एंटायर कोड मैं शेयर कर दूंगा, कोड के लिए टेंशन मत लो. ये जो सेशन वाला जो बनाया ना मैंने, ये सेशन वाला इसलिए बनाया कि इसको मेरे को पूरा शेयर करना है तुम लोगों के साथ. तो अगर कहीं पे दोबारा अगर कहीं दिक्कत होगा तो यू गाइस हैव ट्रैक और उस पे तुम हैंड्स ऑन कर सकते हो दोबारा से. ओके, श्योर, थैंक यू. ठीक है, चलो गाइस, सी यू. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई थॉट कि मैं सैटरडे संडे क्लास लूं, बट एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है कि आई एम नॉट एबल टू टेक बोथ द डेज क्लास. बट या I think we are on track, we are not far behind. आज हमारा execution cycle तक हो गया जो कि 16th अगस्त का deadline था, but anyways today is 13th. I think we have to close this one. Anyways, next, this entire content will take only 4 days of class. That's it. I'm going to cover in a 4 day. ठीक है, 4 दिन में ये सारा, क्योंकि practical जितना हो रहा था सारा मैं साथ 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 करवाते जा रहा हूँ. ठीक है, पाइथन एपीआई एनीवेज मैं जो भी यूज कर रहा हूँ साथ में एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि ये पाइथन एपीआई है या क्या है. ठीक है, तो नीचे का ये टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ से. आई थिंक 4 डेज इज इनफ फॉर क्लोजिंग ऑल दिस. सो आगे का हमारा 4 सेशन है, जिस 4 सेशन में आई एम गोइंग टू कवर एंटायर कॉन्सेप्ट. अनुभव, जस्ट वन डाउट अनुभव, आप मुझे मतलब एक सेशन में आप वो बता देना कितनी मेमोरी यूज होते हैं, कितने एग्जीक्यूटर यूज होते हैं, आप किसी एक सेशन में उसे एक्सप्लेन कर देना. हाँ हाँ बताया था तो मैंने. हाँ, तो उसका थोड़ा सा अभी भी डाउट है मुझे, तो कभी टाइम निकाल के उससे आप एक्सप्लेन कर देना थोड़ा, बताऊंगा मतलब डाउट क्या है. मैं हाँ डाउट ठीक है, फिर ठीक है, एक सेशन एंडिंग का अनुभव वो रख लेंगे अपन लोग ना, कि एक डाउट सेशन से उसमें ये लास्ट में मिसलेनियस वही है. हाँ, तो उसमें यही कर लेंगे, डाउट जो थोड़े बहुत रहेंगे एटलीस्ट ना. नहीं, मेरे से एक इंटरव्यू, हाँ एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो बहुत सा मतलब अजीब सा क्वेश्चन था, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो वही सोचे डिस्कस कर लेंगे कभी. क्या था बताओ? हाँ हाँ हम आपको बताते हैं, एक मिनट बस. ठीक है, इन दैट वे अदर आल्सो कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट. देखो, अगर तुम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू में कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच यू गाइस स्टक, वी आर ओपन टू डिस्कस ओवर हियर. इवन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को भी सब कुछ पूरा आता है. इवन आई एम इफ आई एम आल्सो नॉट अवेयर अबाउट दैट, डेफिनेटली मैं थोड़ा गूगल करूंगा, सर्च करूंगा, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि अगर अपने पास मतलब फाइल साइज है 10 GB से 1 TB का फाइल है, ठीक है, और अपने पास 100 नोट्स हैं और ईच नोट है 50 कोर्स एंड 200 GB रैम, तो वो कितने मतलब रिसोर्स एलोकेशन कॉन्फ़िगरेशन उसे चाहिए,
वन व्हाट्सएप पे पिंग कर देंगे, मिनट ग्रुप में पिंग कर देते नहीं तो हम। पिंग करो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन में थोड़ा सा। इफ नहीं एनीवन जब वांट टू टाइम ड्रॉप पास ऑफ यू आर फ्री टू ड्रॉप, नो वरीज। इफ एनीवन टू ड्रॉप ऑफ यू कैन ड्रॉप ऑफ। इफ यू वांट इफ यू मैंने, वांट टू हाँ स्टे हैव अ तो डिस्कस ग्रुप डिस्कशन में, ऑन दिस यू कैन स्टे। बोलो अभिषेक क्या था ग्रुप, क्वेश्चन। हाँ ग्रुप में पिंग कर दिया वो, आप एक बार देख लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। डू वी हैव एनी इफेक्ट ऑफ फाइल साइज व्हाट वी आर डिफाइनिंग दिस क्वेश्चन। यस यस यस। ठीक है। इफ वी हैव अ फाइल ऑफ 10 GB टू 1 TB। ठीक है। एंड वी हैव 100 मोड। ठीक है। एंड ईच मोड हैव 50 कोर। ठीक है। एक मोड में हमारा 50 कोर है। ठीक है। एंड वन कोर इज हैविंग 200 GB ऑफ रैम। दिस इज व्हाट हिज क्वेश्चन राइट। भाई पहला चीज, अगर आई एम गिविंग यू बोथ द सिनेरियो, अगर फाइल साइज हमारा 10 GB का है, ठीक है, तो अगर 10 GB का फाइल साइज है तो भैया वो एक कोर में ही हमारा काम खत्म है, क्योंकि एक कोर में हमारा 200 GB स्पेस है। तो हमें रिसोर्स एलोकेशन एक नोड की भी जरूरत नहीं है, हमें नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर, नंबर ऑफ कोर्स एक डिफाइन कर दो, जब फाइव ये या तो सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर पर मैं डिस्कस कर रहा था। फाइव का नेक्स्ट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर है, नंबर ऑफ कोर्स तुम वहां पे डिफाइन करोगे, अगर तुम एक भी डिफाइन कर दिए तो तुम्हारा काम यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा फाइल साइज 10 GB का है। ठीक है। नाउ लेट्स इमेजिन कि तुम्हारा फाइल साइज 1 TB का है। ठीक है। और 1 TB का फाइल प्रोसेस करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 TB का स्पेस होना चाहिए, जो कि एक कोर में हमारे पास 200 GB का रैम है। ठीक है। तो वी विल टेक 6 कोर, क्योंकि अगर हम 5 कोर लेंगे तो 5 कोर में 1 TB इज इक्वल टू 1000 GB ऑन एन एवरेज। आई एम नॉट कंसिडरिंग 1024, I'm considering 1000 GB of data. तो 5 कोर में क्या हो जाएगा, अगर हम 5 कोर लिए तो 5 का पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, फाइल का स्टोरेज मेमोरी में ही आ जाएगा, फिर प्रोसेस नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, 6 कोर लेंगे, 200 GB एक्स्ट्रा लेंगे कि 1000 हमारा स्पेस के लिए हो जाए, 200 प्रोसेसिंग के लिए हो जाए, तो 6 कोर भी विल टेक दैट। अनुभव अभी जैसे हमारे पास 50 कोर्स हैं इसमें एग्जांपल में जो मतलब दिया है, तो हमें ज्यादा कोर्स यूज नहीं करने चाहिए भाई, ज्यादा कोर हम क्यों यूज कर रहे हैं। व्हाई सी अदर्स आल्सो, इट्स नॉट ओनली कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे पास मान लो 1000 GB का स्पेस है, इट डजंट मीन ना कि तुम 1000 का 1000 तुम खुद यूज कर लोगे। अदर प्रोसेस इज आल्सो रनिंग, अदर रिसोर्स आल्सो वर्किंग ऑन दैट, सो यू हैव टू यूज दैट मच कि जितने में तुम्हारा काम हो जाए। एक्स्ट्रा लेके भी तुम क्या करोगे उसको। सो इस पे टाइम इफेक्टिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं मान लो 5 की जगह 10 लेता, मेरा 100 GB हर एक में स्प्लिट होता तो इतना ही काम मेरा फास्ट हो रहा है, क्योंकि 10 मेरे कोर से अलग-अलग काम कर रहे हैं। सी एनीवेज जो 200 GB है तुम्हारा, जब फाइल साइज जब तुम्हारा होता है ना, तुम्हें याद करो जब हम परसिस्टेंट का कांसेप्ट बता रहे थे, जब हम डेटा परसिस्ट करते हैं तो कैश में होता है, देन हमारा डिस्क में होता है। डिस्क में तो एनीवेज जब हमारा 1 TB ऑफ डेटा जब तुम प्रोसेस करोगे ना, तो 1 TB का 1 TB पूरा का पूरा मेमोरी में नहीं आएगा। हां नहीं ठीक आएगा। है। वो स्प्लिट होकर ही आएगा। ठीक है। अगर वो दो फॉर्म में भी स्प्लिट हो, मैंने वर्स्ट सिनेरियो तुम्हें बताया कि पूरा का पूरा नहीं स्प्लिट होकर 1000 GB पूरा पहुंच गया तुम्हारा रैम में, तो इस सिचुएशन में हमारे पास 200 GB है जो कि प्रोसेस करेगा, बट दिस इज गोना नेवर हैपन, ये कभी नहीं होता है। डेटा जैसे ही हम रीड करते हैं तो वो स्प्लिट में, तुम अगर तुम्हारे पास इसका कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता हो, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ओएस का फ्रेगमेंटेशन का अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें पता हो, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, डेटा फ्रेम वाइज आता है राइट, तुम्हारा हार्ड डिस्क से रैम में, रैम से फिर कैश में, वही फ्रेम वाइज वो प्रोसेस होता है। तो वो 1 TB कभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं आएगा, वो एनीवेज वो स्प्लिट होके 8 या 10 फॉर्म में स्प्लिट होगा, देन इट विल कम। इवन अगर तुम उसका भी इशू है तो तुम इवन इन 3 कोर्स आल्सो योर प्रोसेस इज गोइंग टू वर्क परफेक्टली, बट वर्स्ट सिनेरियो हम कंसीडर लेके चल रहे हैं कि अगर फ्रेगमेंटेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, फ्रेम नहीं डिवाइड हुआ, पूरा का पूरा पहुंच गया, तो वर्स्ट सिनेरियो 6 हम लेके रखेंगे। ठीक है ठीक है। अभिषेक
थिंक ही डिडंट गेट दैट पॉइंट. अभिषेक यू देयर? वॉइस ब्रेक हो रहा है. चलो कोई नहीं अभिषेक, यू कैन कॉल मी लेटर आफ्टर दिस, आई विल एक्सप्लेन टू यू. ओके चलो गाइस, थैंक्स थैंक्स फॉर जॉइनिंग. आवाज भी खुदी थी. अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, हां ठीक है. आफ्टर वन थैंक यू, इवनिंग आराम से कॉल करना, आई विल एक्सप्लेन टू यू. ओके चलो गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, विल कैच अप ऑन नेक्स्ट वीकेंड. I'll try to take the session on Saturday, Sunday, both the days, so that in 2 weeks I'm going to finish on the track. But sorry, I cannot commit on that because some of the personal stuff also comes, right? Mm-hmm. So just bear with me. If it's not, then अच्छा, to be honest, concept समझ में आ रहा है या कुछ ऐसा problem कहीं पे हो रहा है, कुछ ऐसा feed, I need to know some feedback. कहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है या कहीं पे कुछ problem है क्या? अपनी कोर्स और ये सब प्रॉपर डिवाइड करें, अगर मेरा क्लस्टर भी बढ़ा है कि मेरी जॉब फास्ट चले, तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि अभी एक दो बार डेटा पे काम करके क्लियर हो, बट देखते हैं. नहीं होगा तो यही एक पोर्शन है जो अभी तक क्लियर मुझे नहीं हुआ, माइट बी सम अदर्स क्वेश्चन हो और ओके. मेरे साइड से मुझे प्रैक्टिस करना होगा ये सब. अभी समझ में तो आ रहा है जितना बता दो, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करना होगा भाई. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इफ यू आर नॉट डूइंग दैट सो यू आर नॉट गोइंग टू पिक इट अप. ठीक है, ब्रॉडकास्ट एक्युमुलेटर का मैं एक दो एग्जांपल और भेजूंगा. ठीक है, आई विल ट्राई टू सेंड मोर टू यू सो दैट यू गाइस विल हैव थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा. बट ये चीज है ना, हम लोकल क्लस्टर जैसे डेटाबेस पे करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेटअप है ही नहीं. ये प्रैक्टिकल के लिए हम यूज कर रहे हैं, बट अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव रियल टाइम एनवायरनमेंट पूरा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो करेगा तुमको. ठीक है, बट एनीवाइज कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ लग रहा है कि कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हो, यू गाइस हैविंग एनी डिफिकल्टी समझने में कि नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कुछ ऐसा? फिर ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक, समझ में आ गया. अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा. बाकी मेरे पास तो ऑफिस का क्लस्टर भी है, मैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाए चीजें, और डेटा भी है यहाँ पे ना इनका अपना, तो तब मैं ट्राई करूंगा. अगर तब नहीं क्लियर होता देन आई विल आस्क यू अगेन द सेम मेमोरी वाला. ये वाला क्वेश्चन किसने पूछा था, ये वर्कर वाला? तो मैंने पूछा था सिद्धार्थ. ओके हां जी, और किसी को कुछ डाउट या कुछ है ऐसा यू वांट me to explain again, I'll do that. Anubhav, आप किस कंपनी में हैं? आप द मैथ कंपनी में हैं क्या? हाँ, उसी में. अच्छा, तो उसी में मैंने उसमें इंटरव्यू दिया था, तो सेकंड राउंड में संदीप प्रधान करके कोई है शायद. अच्छा, हाँ, जानता हूँ. क्या हुआ, क्या बोला? उन्होंने मेरा गंदा लिया उस दिन, तो इतना गंदा लिया कि मतलब पूरा फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम तो. फर्स्ट राउंड किसने लिया था, करण? फर्स्ट राउंड कोई था, सदब हुसैन करके कोई था. अच्छा, फर्स्ट राउंड. फर्स्ट राउंड तो एकदम अच्छे से गया, वो तो बहुत अच्छे से गया, लेकिन सेकंड राउंड में इतना डीप में ये गया था, इतना ज्यादा डीप में, उतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. स्पार्क में? हाँ, स्पार्क में भी पूरा डिटेल्स में. ये जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछे तो उन्होंने ही पूछा था मुझसे. अब इसे क्वेश्चन भी शेयर करना आप जितने भी है ना सारे, मतलब हमारे लिए भी देखते हैं फिर क्या था. हां गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मतलब जो भी तुम इंटरव्यू दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, ग्रुप में क्वेश्चन डालते रहो सो दैट अदर कैन आल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट. और नहीं तो एटलीस्ट अगर मे बी हो सकता है कि तुमने जो आंसर दिया वो नॉट अप टू द मार्क हो, मैं ये नहीं कह रहा गलत हो, बट जो इंटरव्यू सुनना चाहता हो जिस वे में सुनना चाहता हो, यू हैव नॉट से दैट, सो वी विल हैव पीपल हु गिव देयर थॉट कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. वी आर 60-70 पीपल यार, मोर देन इन दैट ग्रुप, सो डेफिनेटली अगर कोई आंसर नहीं करेगा तो मैं तो आंसर उस पे लुक आउट करके डेफिनेटली मैं उसको आंसर करूंगा ही. बट या पोस्ट योर क्वेश्चन सो दैट कि जो कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे काफी लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू गेट कैन शेयर, अपना अपना क्वेश्चन शेयर करो, डिस्कस करने पे हो, क्या होगा, अच्छा हो जाएगा सबके लिए. ये क्वेश्चन उन्होंने ही पूछा था, संदीप ने पूछा था. और कोई था या अकेले वही था? बस अकेले वही थे.
ओके बट वो बहुत स्पार्क बंदा है भी नहीं, वो एज्योर का है। अब बहुत ज्यादा इतना डीप में पूछे, पूरा मतलब पूरा कॉन्फ़िगरेशन स्पार्क का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर सब कुछ। यार तो वो तो बेसिक क्वेश्चन है, स्पार्क का आर्किटेक्चर तो मैंने फर्स्ट सेशन में ही हाँ बताया अरे है। वो सब मैंने बता दिया था, लेकिन ये जो फाइल वाला जो था उसमें मैंने कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज हो गए थे, बाकी सब तो उनको बता दिए थे तो इसमें कंफ्यूज, और एक प्रोग्रामिंग दे दिए थे तो वो नहीं हो पाया था मेरे से। तो क्या था प्रोग्राम? वही मतलब वो बोले थे इनहेरिटेंस है, 3 क्लास है ठीक है, और ओके उन्हें चाहिए कि मतलब जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसका मुझे काउंट फाइंड करना है। अरे यार ये पाइथन का फंक्शनलिटी को यूज करके तुम्हारा नॉर्मल आपका पाइथन कोई यूज या करो, फिर नॉर्मल नॉर्मल जावा का हो पाइथन का गया ना, यूज करके तुम लोग, इसमें तो स्पार्क का यूज ही नहीं है तुम्हारा। कोर हो हाँ नहीं गया वो ना। नॉर्मल और बोले, क्वेश्चन? हाँ वो स्पार्क का तो बता देते, स्पार्क का बस ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया था, मतलब सही से नहीं बता पाया था, ये वाला जो फाइल साइज का था कब हुआ था इंटरव्यू तुम्हारा? लास्ट वीक हुआ था। लास्ट वीक? एक सेकंड भाई, ये सब ट्वेंटी चीज सिक्स अगस्त बाहर, हुआ। ये सब चीज बाहर मत एक्सपोज करना कि मैं कुछ नहीं देख नहीं रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं ये एक्सपोज करेंगे तो हमारे लिए भी तो क्लास बंद हो जाएगी ना। नहीं भैया क्लास तो छोड़ दो, पेट पे लात मेरा जाएगा फिर। वो तो है नहीं ही। नहीं एक ये नभन सेकंड, नभन स्केड्यूल कराए थे, नभान नभन नभान कोई नभान नभन, मुस्तफा, हाँ नभान मुस्तफा। पूरा वही स्केड्यूल कराए थे। अभिषेक नाम बोलो तुम अपना। कुमार ABHISHEK, हाँ अभिषेक अभिषेक कुमार कुमार कुमार, डेटा इंजीनियरिंग एसोसिएट। हाँ एसोसिएट के लिए गए थे। नहीं, तो श्रीवत्सा कौन सी बोतल नहीं गया। एक सेकंड रुकता हूँ, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है तुम्हारा? 7277905904। नहीं, 7 2 5 9 4 है, 1 8 4 2 4। अच्छा ये नहीं, इसमें तो कोई और है। ओके ABHISHEK, हाँ हाँ वही है। फीडबैक क्यों नहीं है यार? पता नहीं, पहला राउंड तो बहुत अच्छे गए थे लेकिन दूसरा राउंड में बहुत ज्यादा ये मुझे मतलब फंसा दिए थे क्वेश्चन, व्हाई वेयर हाउ, इतना इतना सब हर एक चीज के लिए, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इतना मतलब। अभिषेक 0807192@gmail.com राइट? हाँ हाँ वही है। वन टू जीरो भाई तुम्हारा कुछ, मेरे को दिख नहीं रहा है। आई गेट बैक, देखता हूँ क्या करता हूँ, क्या वो क्या नहीं। नहीं फीडबैक आपकी आया कमी था ना थी नभान से, डिस्कॉर्ड में? क्या आया था नभान मेरे से वही कि तुम्हारा मतलब सेकंड राउंड में नहीं हो पाया। हम बोले अच्छा ठीक है अब क्या करें। पे? अभी चेक कर रहा था यहाँ पे कि पता नहीं, मैं तो कुछ दिख नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं है, ट्राई करो नेक्स्ट टाइम हाँ फिर से। हाँ वही करें ठीक और क्या बोल सकते हैं लोग। ठीक है फिर। है चलो गाइस, हाँ सी यू ऑन ठीक नेक्स्ट वीकेंड, हैप्पी वीकेंड, बाय, टेक थैंक यू, केयर। बाय बाय।